सबसे पहली बात तो है कि मैं वहाँ विधानसभा घेराव पे गई थी, वहाँ इस मकसद से गई थी कि स्टूडेंट लोग का है, हम लोग जो 60-40 वाला नीति बन रहा है वो नीति के हम लोग विरोध है, क्योंकि वो नीति हमारे हित में नहीं है। अगर वो नीति बन जाएगा तो हम लोग कहीं का नहीं बचेंगे, तो इसीलिए हम लोग सब विधानसभा घेराव के लिए गए थे। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद तो माहौल ही कुछ बिगड़ गया, तो इसीलिए ऐसा सिचुएशन ही आया कि मतलब मीडिया के सामने आना पड़ा और बहुत कुछ बोलना पड़ा। और एक होता है कि हम लोग का जैसे भैया लोग है, हम लोग सब पे लाठी चार्ज किया गया, तो और हम लोग का जो हम लोग का लीड करने वाला जयराम भैया है, उनको पुलिस द्वारा उनको लेके गया टाइगर भैया को, और वो बहुत मतलब अच्छी तरीके से पुलिस से व्यवहार किए। उन्होंने कहा कि ठीक है आपको कहाँ ले जाना है, मैं जा रहा हूँ आपके साथ, मुझे इस तरह से आप लोग खींचा खींची मत कीजिए और लाठी चार्ज मत कीजिए, लेकिन फिर भी उनका टी शर्ट फाड़ दिया। तो इसी वजह से फिर कुछ वीडियो 30 सेकंड का था, वीडियो तो लंबा था लेकिन 30 सेकंड का एक छोटा सा वीडियो था, वो वीडियो इतना ज्यादा वायरल हो गया कि उसके वजह से नाम किया गया मेरा क्रांतिकारी लिखा गया। जी बिल्कुल बढ़ गया, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स इतने सारे स्टूडेंट्स थे, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को लगा कि जब मैं बीच में आवाज उठाई तो उन लोग लगा कि नहीं एक लड़की है, और इतने सारे लड़कों के बीच दो ही लड़की गए थे और उसमें से इतना ये बोली आवाज उठाई, तो इनमें एक होता ना कि शेर वाला जिगरा चाहिए होता है, वरना देखिए जंगल में बहुत कोई रहते हैं लेकिन शेर का दहाड़ अलग ही होता है। तो इसी टाइप से सारे स्टूडेंट है, बहुत कोई स्टूडेंट होता है पढ़ने वाले लाइब्रेरी में, बहुत कोई बहुत शांत माहौल के होते हैं, ज्यादा कुछ बोल नहीं पाते, जुबान तो लोग का रहता है लेकिन लोग जुबान से बाहर नहीं निकाल पाते हैं, आक्रोश भरा हुआ रहता है लेकिन निकाल नहीं पाते हैं। सभी कोई मुझे यही कमेंट में कह रहे थे, सबको यही कह रहे थे कि दीदी आपने हमारे दिल की बात कह दी, दीदी आपने हमारे दिल की बात कह दी। तो इसी वजह से उन लोगों को लगा और वही लोग मुझे शेरनी शेरनी करके कहने लगे, शेरनी दीदी करके कहने लगे। महसूस होता है लेकिन ये वाला सिर्फ बीबी महतो ही सब कर सकती है, सब कोई कर सकती है। मैं तो सबसे कहूंगी कि आप लोग भी अपना हक अधिकार के लिए आवाज उठाइए, लड़ना सीखिए, वरना ये इतनी जालिम दुनिया है ना कि अपना हक मांगने जाओगे तो भी लाठी खा के घर आओगे। अच्छा, आपको फैमिली से सपोर्ट मिलता है? बिल्कुल, बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है मुझे। फैमिली फिलहाल तो मेरे चाचू लोग हैं, बुआ है, मम्मी है, मेरा भाई बहन है। कितने साल पहले आप इस आंदोलन में जुड़े? एक साल, पिछले साल। पिछले साल से? तो जब आप स्टार्टिंग में जब आए, ठीक है, तब आपको कोई नहीं पहचानता था? नहीं पहचानता था। तो उस समय जैसे आपको क्या रिस्पॉन्स क्या मिलता था आपको, क्योंकि आप एक लड़की है, ठीक है, और जनरली हम लोग देखते हैं कि लड़कियों को जो है इस सब चीज से दूर रखा जाता है, तो स्टार्टिंग में आपको कैसा रिस्पॉन्स मिलता था घर से, बाहर वालों से, गांव वालों से? घर वाले कुछ नहीं कहते थे, मैं अपने चाचू के साथ ही जाया करती थी, और जो आधे लोग कहते थे कि बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा चीज है, करना चाहिए, हक अधिकार के लिए लड़ना चाहिए, और कुछ लोग तो अनाव सना बहुत कुछ उल्टा पुल्टा बोलते थे। कोई कोई तो जैसे एक वीडियो मैंने कहा था कि शादी नहीं होगा तुम्हारा, तुम्हारा शादी लायक हो चुका है, तुम इस तरह से घूम रही, घर में रहो ना, पढ़ाई लिखाई करो ना, तो पढ़ाई लिखाई तो करती हूँ मैं, फिर एनसीसी भी कर रखा है, स्पोर्ट्स भी खेलती हूँ, लेकिन अपना हक के लिए लड़ना चाहिए। अगर हम लोग अपना हक के लिए नहीं लड़ेंगे तो क्या फायदा हमारा पढ़ लिख के? जो पुरखे हमारे थे, हमारे जो पहला जो पीढ़ी था, वो लोग इतना लड़ के इतना कुछ लिया, अपना झारखंड अलग किया है सब कोई बिहार से, तो उन लोग पढ़े लिखे थे नहीं, लेकिन फिर भी उन लोग में इतना ये था, और अभी हम लोग पढ़ लिख के अगर ये चीज नहीं कर सकेंगे तो हम लोग को खुद पे एक ये करना चाहिए। सही है। अच्छा, अभी जैसा हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग अभी जैसा जमाना आ गया, तो इसमें एजुकेशन, जॉब एंड सैलरी, ये तीनों चीज जो है हम लोग के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे में आप स्टूडेंट्स या सरकार से क्या, सरकार को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सरकार से यही संदेश देंगे कि इतने सारे स्टूडेंट्स है, सारे स्टूडेंट्स का ये भविष्य के साथ खिलवाड़ा ना करें, क्योंकि ये स्टूडेंट्स सारे रूम में रहते हैं, रूम में रह के लाइब्रेरी में पढ़ाई करते, कितने स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं जो कि जमीन बेच के पढ़ा रहे हैं, कितने कोई अपना ज्वेलरी बेच के पढ़ा रहे हैं, कितने कोई मतलब अपना खाना से पेट मार के अपना खुद का थोड़ा थोड़ा पाई पाई पैसा बचा के अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बच्चे को बाहर में रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनका एक उम्मीद है कि मेरा बेटा आगे जाए, नौकरी करे और हमारा घर परिवार का स्थिति थोड़ा सुधरे, लेकिन ये चीज सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, अब उनका लाइफ के साथ खिलवाड़ा नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट्स का क्या कहना चाहिए? स्टूडेंट्स को यही कहेंगे कि अपना हक के लिए लड़ो, आप लोग सब आवाज उठाओ, ये जो 60-40 वाला नीति लागू करने जा रहे हैं सरकार, इसे रोकना ही है हमें किसी भी तरह से। अगर नहीं रोके तो आज तुम लोग सड़क पे दो दिन उतरोगे, अगर आज सरकार ये चीज लागू कर दिया तो जिंदगी भर के लिए हम लोग को सड़क पे आना पड़ेगा। ओके, तो फ्रेंड्स ये थी बेबी महतो, ठीक है, जिसे हम लोग झारखंड की शेरनी कहते हैं, ये वाकई में ही एक शेरनी है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, मतलब आप में इतनी पॉजिटिविटी, इतनी एनर्जी आती कहाँ से?
अभी जो मेरा वीडियो वायरल हुआ उसमें हाँ। काफी ज्यादा मुझे ट्रोल किया जाता है, ट्विटर में भी ट्रोल हो रहा है मेरा, और काफी कोई फोन करके भी डिमोटिवेट कर रहे अच्छा। हैं, और काफी कोई फेसबुक इंस्टाग्राम में। लेकिन जितना मतलब रफ्तार से मेरा ट्रोल हो रहा ना, उतना ही उसका दोगुना रफ्तार से मुझे मतलब एक एनर्जी ये भी मिल रहा है, क्योंकि देखिए जब तक ट्रोल कोई करेगा नहीं आगे नहीं बढ़ेंगे, और इतना सपोर्टेड स्टूडेंट लोग का है और मेरा फैमिली का है कि, और जो जितना जैविक एसएस के भैया लोग है, ब्लैक टीम वाले लोग रोज मुझे कॉल करते हैं, मेरे चाचू भी एक चीज कहते हैं, मेरी मम्मी भी कहती है कुछ नहीं होगा तुझे, अगर तेरे नाम पे एफआईआर होगा ना होने दे, चले जाओ जेल, कोई फर्क नहीं पड़ता, जाओ, यही चीज कहते हैं। और सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कुछ नहीं होगा, अगर आपको कुछ हो गया ना तो हम लोग दिखा देंगे सरकार को स्टूडेंट्स पावर, सब यही कहते हैं। और हमारे भैया है जयराम भैया, वो भी ये कहते हैं कुछ नहीं